क्या बोलती पब्लिक। तो आप सभी का स्वागत है तुम्हारे भाई के न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो काइंड ऑफ व्लॉग नहीं है, कोई लोकेशन या किधर मैं गया नहीं हूँ। तो ये वीडियो है लाइक मेरे कार का, मैंने पर्सनली रिव्यू डाला है, लाइक CNG का एवरेज कितना आता है क्या नहीं है वो सब डाला है। सडन था, फर्स्ट टाइम मैं गाँव जा रहा था इतना दूर, तो सडनली क्लिक हुआ कि एवरेज निकालता हूँ कार का। तो बहुत लोग पूछ रहे थे एवरेज क्या है क्या सीन है, तो बहुत सही वीडियो बनाया। आपको अगर देखनी है कार की एवरेज क्या है क्या नहीं है तो पूरा वीडियो जरूर देखना। पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मिलते हैं वीडियो में। बाय। पब्लिक अपना पैसा वसूले बोले तो फुल पैसा वसूल हो गया गाइस। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मेरे, मैं 25 का एवरेज लेके चल रहा था, बट अब बिलीव नहीं करोगे अभी तक CNG खत्म नहीं हुआ है। एंड मैंने अभी तक पेट्रोल पे भी स्विच नहीं किया एक भी बार, मैं पूरा CNG पे चला रहा हूँ, पूरा घाट भीट चढ़ के एकदम प्रॉपर एकदम। मेरे को अभी तक लाइक 250 किलोमीटर चलिए ये 8 किलो पे, 8 किलो पे मतलब आप। पब्लिक अपन जा रहे हैं अभी मसौड़। तो सीन क्या है, मेरे को एवरेज निकालने का है, बट मैंने पहले CNG भरा था तो मेरे को वो मैं कैलकुलेशंस नहीं है, तो जो खत्म हो जाएगा तो वो वापस भर दे। अभी मैं इसे एक छोटा मोटा निकाल लेता हूँ, क्या बोलता है मोटा मोटी, वो कुछ तो रहता है वैसा एवरेज निकालता है मैं अंदाजे कितना रहता है, फिर उसके बाद वीडियो लेता हूँ आगे का प्रॉपर एवरेज कितना आता है क्या आता है। मेरे को लग रहा है अच्छा खासा एवरेज देगा गाड़ी। एक छोटा 8 मिनट का वीडियो डालता हूँ मैं एवरेज का। अभी गाड़ी पूरा क्रूज पे आप देख सकते हो इधर, पूरा मैंने 94 पे। अरे कभी भी ऐसा नहीं करते फोन भाई, ऐसे ही फोन रखने का रहता है। तो ये क्रूज पे ये कैमरामैन आया, थोड़ा पहली बार आया तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, इसको आता नहीं है वीडियो। तो 94 90 पे सेट करके चला रहा हूँ, 80 पे भी मैं चला अभी थोड़ा, तो अभी देखते हैं। और जब मैं पूरा फ्यूल डालूंगा CNG भरूंगा तो CNG का कितना भरता है, कितना टाकी फुल होता है वो देखते हैं, कितना KG भरता है। एंड फिर उसके बाद मैं ट्रिप जीरो पे करके आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर चलता है, क्योंकि अभी मैं फिलहाल लाइक मेरे गाँव का रास्ता कैसा पूरा मुंबई पुणे मुंबई बेंगलोर हाईवे है, तो वो पूरा एकदम स्मूथ है, तो मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहा है एवरेज ज़्यादा देने का। और सीन ऐसा है कि गाँव का जो भी रास्ता है वो भी पूरा खाली रहता है, तो एवरेज अच्छा मिलेगा। सिटी एवरेज तो मेरे को 20 दिया है अभी तक, उसने डिसअपॉइंट नहीं किया, 20 के ऊपर ही दिया है। तो हाईवे का एवरेज निकाल दें, आपको पूरा वीडियो देखो आगे, मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ कितना एवरेज है क्या है क्या सीन है। सो पब्लिक अभी अपन आए लाइक किधर है अपन, ये थोड़ा पुणे के आगे है लोकेशन, वारजे या वारजे आप दे सकते हो, वारजे CNG पंप। तो मैंने कल शाम को CNG भरा था, कितना भरा था मैं दिखाता हूँ आपको एक अमाउंट। आपको अपने पीछे गाड़ी तो नहीं है तो ठीक है, मैंने कल भरा था ये देखो 702 का CNG भरा था, 702 डिवाइड बाय 87 मतलब 8 किलो, 8 किलो CNG भरा था गाड़ी में। तो 8 किलो पे अभी गाड़ी देखो आपको दिखाता हूँ 144, मैंने ट्रिप ए किया था, जो बी ट्रिप है वो जीरो करके किया था, तो इट्स 144 एंड अभी थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा गाड़ी आगे लेता हूँ। अभी अपन 145 किलोमीटर चलिए, तो अभी अपन वापस से जाएंगे, भरते कितना CNG भरता हूँ देखता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ से कितना आगे जाता है वो भी देखता हूँ, एंड फिर आपको बताता हूँ CNG भर के वीडियो निकालता हूँ, CNG भरते वक्त कितना भरता है CNG उसमें, एंड एवरेज कितना रहता है। अभी मेरे को अच्छा खासा एवरेज दिया है, बट प्रॉपर अपन पूरा अभी CNG फिल करके एक बार देखते हैं, वापस आते वक्त एक बार फुल फिल करेंगे और फिर चलाएंगे लाइक 60 पे थोड़ा, 80 पे थोड़ा, एंड 100 पे थोड़ा, वैसे एवरेज निकालते कितना आता है देखते। तो देखता हूँ CNG भरते, चलो रुपये डेबिट करने तो कल आपने इंग्लिश कर दिया ना रुपये डेबिट। तो अभी CNG भर रहा है, देखते कितना CNG जाता है उसके अंदर, चालू है गाड़ी का टायर भी चेक करता हूँ। एवरेज के हिसाब से बहुत सही है गाइस, कंफर्ट और उसके हिसाब से। अभी टोटल CNG का प्रेशर दिखाता हूँ मैं आपको, प्रेशर अपन ने देखा नहीं तो कितने प्रेशर से जा रही है, प्रेशर तो कुछ है ना अच्छा प्रेशर है लाइक 200 200 के आगे है,
तो देखते अभी 8 किलो भरा था, तो अभी देखते कितना किलो भरता है, उसके हिसाब से अपन अंदाज लगाएंगे कितना के बंदा था। देखो 628 577 तो 6.28 भरा है, मतलब और 2 किलो CNG गाड़ी में होगा। अपन ने लास्ट टाइम भरा था तो 8 किलो था, तो 6 किलो पे 144 किलोमीटर। तो कैसे डिवाइड होता है वो 20 के ऊपर तो दिया है गाड़ी ने एवरेज, आराम से 20 के ऊपर 23 एवरेज पकड़ के चलो, प्रॉपर वाला एवरेज अपन निकालते हैं अभी गाड़ी चलाएंगे तब। अभी देखता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ फुल, अभी कर दिया, अभी वापस से अपन ट्रिप को जीरो कर दे। ये फोन लग गया इसको, गाड़ी को आगे लेते हैं अभी। गाइस ये 144 है एंड ये ट्रिप ए है, इसको जीरो कर देता हूँ। तो ट्रिप ए जीरो कर दिया मैंने और गाड़ी का CNG ये इतने दिखा रहा है, रुको गाइस अपन इसको बंद करके स्टार्ट अगेन। हाँ तो इट्स फुल नाउ, ट्रिप ए जीरो एंड यू कैन सी इट्स 144 एंड 3357। तो देखते हैं अभी कंटिन्यू चला के ख़त्म होता है कितने पे, अभी भी अच्छा ही रास्ता है, एकदम प्लेन स्मूथ रास्ता है। तो चला के देखता हूँ, बीच बीच का वीडियो दिखाता हूँ आपको, 80 पे लॉक करके थोड़ा 70 60 90 देखते हैं। चलो तो CNG भरने के बाद थोड़ा सिटी में चला, अभी तक पुणे ही है, मतलब हाईवे ही है ये भी, बट इतना बड़ा हाईवे नहीं है, लाइक 60-80 वाला स्पीड पे चला रहा हूँ मैं। एंड वन एक कांटे से नीचे आया है, उस पर मेरा अभी अप्रोक्सीमेटली लाइक 45 किलोमीटर्स हो गया, लाइक 50 किलोमीटर्स हो गया अभी यही स्पीड पे चल रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरे को एक लेफ्ट लेना है, फिर वो गाँव वाले रास्ते पे निकल जाऊँगे, वो भी रास्ता लाइक स्मूथ ही है, क्या बोलते हैं उसको, दो पदरी रहा, 2 लेन रोड है, तो उस पर भी लाइक पूरा खाली रास्ता रहेगा तो चला लूँगा मैं 80-90 पे। उधर अपन ये करते, अभी मैंने इस पर नहीं, क्रूज पे नहीं डाला था, मैंने खुद ही चला रहा हूँ, मतलब गियर शिफ्टिंग वो सब चालू है, थोड़ा बहुत क्लोज है थोड़ा सिटी में इसके लिए, बट अच्छा खासा एवरेज दे रही है अभी फिलहाल। तो जब जाएंगे क्रूज पे डाल के वो भी निकलता हूँ, लाइक दिखाओ इसको 45 किलोमीटर्स हो गया भाई, दिखा जरा। हाँ 45 किलोमीटर्स हो गया है और सीन क्या पता है गाइस, गाड़ी में ना एकदम कंफर्टफुल फील हो रहा है एकदम, अभी मैं इतना देर से चला रहा हूँ मेरे को ऐसा कंटाला नहीं आ रहा गाड़ी, वैसे मेरे को आदत है, मेरे को कोई भी गाड़ी दे दो आप मैं चला लेता हूँ, बट ये जो फील आ रहा है ना एकदम पूरा स्मूथ एकदम सा, नीचे ये नहीं हो रहा है कुछ नहीं, तो मस्त लग रहा है। अभी एक लेफ्ट लेने गए तो रखता हूँ मैं और फिर आगे जाके अपने को करने है क्रूज कंट्रोल, वो भी करते हैं। एवरेज इंपॉर्टेंट है तुमको अगर गाड़ी लेने का रहेगा, बाकी गाड़ी पूरा एकदम परफेक्ट है बट एक ही सीन है बस बिल्ड क्वालिटी, वो तो क्या अभी उतना तो चलता है गाइस, बाकी कंफर्ट के हिसाब से बहुत सही है, एवरेज के हिसाब से बहुत सही है और गाड़ी का बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो चलो फिर गाइस सीन क्या है, तो लेफ्ट तो रह गया, अभी मैं घाट में चला है थोड़ा गाड़ी आपको दिखाता हूँ, लाइक CNG पे चला रहा हूँ मैं, पेट्रोल पे शिफ्ट नहीं किया, पिकअप है लाइक उठ रहा है, मतलब गाड़ी पिकअप दे रहा है अच्छे से, ये वन वे है तो अच्छा खासा घाट है। तो अभी इस पर भी चला के इतना, मतलब अपन ना सब होने वाला है, प्लेन रोड भी होने वाला है, ट्रैफिक वाला रोड भी होने वाला है, घाट वाला रोड भी होने वाला है, ये देखो अच्छे से एकदम सेकंड पे चल रहा है, लाइक थर्ड पे तो नहीं उठेगा बट अच्छा खासा चल रहा है गाड़ी, क्यों भाई सही। तो पब्लिक अभी अपन आया है थोड़े आधे 100 किलोमीटर चला है CNG डालने के बाद से, तो 100 किलोमीटर में ना अभी तक वो CNG का जो रहता है ना काटा हाफ रहता है, वो हाफ से भी नीचे नहीं आया है। एंड मैं लाइक थोड़ा दो घाट चढ़ा है, लाइक दो ऐसा वो डोंगर रहता है ना माउंटेन ऐसा ऐसा वलन वलन में, उसके बाद भी और थोड़ा सिटी में थोड़ा थोड़ा नॉर्मल एकदम सिटी में था, लाइक 5-6 किलोमीटर जिधर मैं ऐसा 60 बोल रहा हूँ सेकेंड गियर पे, वो थर्ड गियर पे चला गाड़ी, बाकी मैंने अभी मेरा अभी क्रूज पे आप देख सकते हो 60 के क्रूज पे लगा हुआ मैंने, एक्चुअली 60 पे क्रूज पे ना थोड़ा नॉर्मल एवरेज देगा 60 पे, और देखो 100 किलोमीटर ए ट्रिप दिख रहा है आपको और CNG का भी दिखा देगा आपको, लाइक वो CNG का काटा अभी तक इधर भी नहीं आया, तो मेरे हिसाब से तो दे रहा है एवरेज अच्छा खासा, अभी और एंड तक देखते हैं कितना एवरेज देता करके।
और जितना एवरेज देगा अच्छा, उतना अपने लिए अच्छा है, तुम लोग के लिए अच्छा है। गाड़ी अगर लेने का प्लान कर रहे हो, अगर प्लान कर रहे हो तो ले लो, मैं तो इतना ही बोल दूंगा, सीधा ले लो। फील है भाई, फील एकदम फील है। वो एमसी स्टाइन का है ना, आई फील यू ब्रो, आई फील यू, वैसा है, आई फील इट। ये बक्सा वाले को जान देते अपन और फिर देखते हैं, अभी कंप्लीट करता हूँ पूरा, खत्म होने के बाद मिलते हैं। जब पूरा रूट खत्म हो जाएगा, सीएनजी पूरा खत्म हो जाएगा, तब मिलता हूँ। चलो बाय। मैं ना ऐसा मतलब मेरे को टेंशन है, अभी गाड़ी मेरा 170 किलोमीटर चल गया। अभी मैं आपको रोड दिखाता हूँ, पहले रोड देखो, लाइक ऐसा रोड है। मैंने अभी लास्ट इधर दिखा मैंने लास्ट 30-40 किलोमीटर हार्डली मैंने गियर शिफ्ट किया रहेगा, थोड़ा बहुत पैच आया खराब हुआ भी किया रहेगा, बट कंटिन्यू गाड़ी 70-75 के रेंज में चल रहा है। क्रूज पे 70 पे, कभी कभी 75 पे डाल के चला रहा हूँ। एकदम फुल कड़क वाला एवरेज आने वाला ऐसे लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक हाफ के नीचे भी नहीं गया। मैं अभी लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि अभी भी हाफ के इधर है, और अभी भी लाइक उधर ही है, हाफ के जस्ट डॉट इस पे आया ऐसे एकदम फुल बीच में। सो लेट्स सी अभी कितना आता है। मेरे को बस आपको रोड दिखाना चाहता था कि लाइक रोड कैसा है, एक बार दिखा भाई। रोड पूरा एकदम मक्खन रोड है, खाली एकदम। तभी भी मैं इस पे लाइक 70 पे ही चला रहा हूँ, 70-80। मैंने मेन जो हाईवे था तब भी मैंने 80 और 90-85 चलाया था, तो अभी अपन 70 पे चल रहे हैं। मैंने थोड़ा मैनुअल भी, अपना मैनुअल गियर शिफ्टिंग और रेस के दे के भी चलाया क्रूज हटा के। एंड अपन ने गाइस तीन माउंटेन्स, वो घाट रहे थे, वो चढ़े। घाट को अभी इंग्लिश में क्या बोलते मेरे को नहीं आ जा रहा, बट वो भी चढ़े अपन ने, तो अच्छा खासा एवरेज आने वाला है अपने को। तो अभी देखते कब फिनिश होता है। चलो पब्लिक अपना पैसा वसूले बोले थे, फुल पैसा वसूल हो गया गाइस। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मेरे, मैं 25 का एवरेज लेके चल रहा था, बट अब बिलीव नहीं करोगे अभी तक सीएनजी खत्म नहीं हुआ है। एंड मैंने अभी तक पेट्रोल पे भी स्विच नहीं किया एक भी बार, मैं पूरा सीएनजी पे चला रहा हूँ, पूरा घाट बीट चढ़ के एकदम प्रॉपर एकदम। मेरे को अभी तक लाइक 250 किलोमीटर चलिए ये 8 किलो पे, मतलब आप गेस कर सकते हो 30 प्लस का एवरेज मुझे दिया अभी गाड़ी ने, एंड स्टिल खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस अरे सोच रहे हो ना लेने का, अगर मेंटेनेंस के बारे में सोच रहे हो भाई, ले लो भाई, आग बंद करके ले लो, कोई दे रहा सेकंड हैंड ले लो, कोई बेच रहा है तो सीएनजी का। क्या गजब गजब का एवरेज है, गजब का। दिखा भाई लोग का एवरेज दिखा, अब तक सीएनजी खत्म नहीं होने आया। ये देखो अब भी जस्ट मैसेज आया सीएनजी का खत्म होने आया, रिफ्यूल का। तो ये देखो लाइक कितना है, ये मैसेज आया अभी वार्निंग, एंड यू कैन सी लाइक 250 किलोमीटर्स मैंने पूरा 250 किलोमीटर्स चलाया इस पे। एंड ये देखो इधर भी वार्निंग है, तो देखो वार्निंग आया। तो गाइस 30 प्लस एवरेज, मतलब मैं पूरा मुंबई से मेरे गांव तक 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। मैंने पहले उधर से आया, मैं पुणे में वापस भरा, जब अपने वीडियो में देखा रहेगा लाइक 6.6 केजी समथिंग भरा अपन ने, पहले 2 केजी था तो टोटल 8 केजी था। 8 केजी में मैं हमारे लाइक जो कुलदेव देव है सिद्धनाथ, वहाँ पे जाके आए हम लोग, एंड अभी जा रहे हैं हमारे मामा के पास। तो गाइस रियल है ये, कोई मैं मोटो व्लॉग वगैरह वैसा व्लॉगर विगर नहीं है ऑटो वाला, मैं मेरा खुद के गाड़ी का खुद रिव्यू डाल रहा हूँ भाई। मक्खन है मक्खन गाड़ी में, एकदम स्मूथ तो चलती है गाड़ी, ऊपर से इतना अच्छा एवरेज बोले तो फुल लाजवाब। और क्या चाहिए लाइफ में, गाड़ी का पैसा वसूल हो गया है, बोला ना मैं पैसा वसूल हो गया मेरा। मेरे को अभी ऐसा सोचने का ही नहीं है कि ये मैं गाड़ी क्यों लिया, पैसा वसूल है। तो अभी और देखते हैं कितना चलती है एंड तक। मेरे को लग रहा है मेरे मामा के घर तक चली जाएगी गाड़ी, लेट्स सी अभी कितना जाती है, बंद कर दे। तो गाइस आपको अगर लग रहा होगा, प्लीज रिफ्यूल इमीडिएटली, सो यू कैन हियर दैट लाइक इट इज सेइंग लो सीएनजी प्लीज रिफ्यूल इमीडिएटली। तो गाइस सीन ऐसा है कि ना लाइक अगर आपको ऐसा लगे कि ये स्कैम है, तो ये स्कैम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो देखोगे, जब भी मैंने स्पीडोमीटर और ये दिखाया, वहाँ पे पेट्रोल का जो पार्ट है, जो एरो है, वो वहीं पे लाइक मैंने यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हो। एंड इट इज़ ऑलरेडी 257.8 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है। तो सीन ऐसा है कि लाइक इसके आगे और मेरे को लगता है 5-10 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, उसके बाद अपने को रिफ़िल करना पड़ेगा।
तो लाइक मैं यहाँ पे पहुंच गया मेरे मामा के घर पे, तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। सीएनजी एसी मैंने एसी ऑटो पे रखा था, लाइक ऑटो पे ये रखा था, एंड 19 और 20 के बीच में वो चेंज हो रहते रह रहा था, तो बहुत सही एवरेज दिया, लाइक 30 प्लस एवरेज इज लाइक भाई चुम्बेश्वरी एवरेज है। तो देखता हूँ अभी लास्ट जिधर खत्म होगा आपको उधर भी मैं दिखाता हूँ कितना पे खत्म हुआ, बट 250 भाई दिल जीत लिया यार। तुम लोग को अगर लेना है तो भाई जाओ बुक कर लो, बिल्ड क्वालिटी ठीक है। आप अगर फैमिली कार चाहिए आपको, थोड़ा ये चाहिए, सेफली चलाओगे, अच्छे से चलाओगे, 60, 70, 80, 90 डिपेंड्स ऑन रोड, तो भाई मक्खन गाड़ी है, एकदम फुल फील देती है, तो ले लो गाड़ी। अभी खत्म होने पे मिलते हैं आपको, चलो बाय। तो पब्लिक मैं लाइक सीएनजी खत्म होते वक्त मैं नहीं था बट भाई था, तो जस्ट अभी एक 3 किलोमीटर पहले सीएनजी खत्म हुआ। बहुत मक्खन वाला एवरेज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मक्खन मक्खन वाला एवरेज मिला आपने को। अभी आपको देख सकते हो, लाइक देखो यहाँ पे 281 पे खत्म हुआ है, आप देख सकते हो। पेट्रोल का लाइन भी देख सकते हो, अभी देख उधर ही है, लाइक पेट्रोल का लाइन हिलता नहीं है बट स्टिल तभी भी यूज नहीं हुआ है इतना पेट्रोल, बट एकदम फुल 280 का एवरेज, 280 किलोमीटर। तो अपन अभी 10 किलोमीटर कैंसिल कर देते हैं उसमें से, तो हो गया वो 270, तो ठीक है 270 डिवाइड बाय 8 किलो था, 8 किलो तो इसका मतलब होता है, आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो ये हो गया 33.75। और क्या चाहिए भाई, 33 भी बहुत हो गया अभी, 30 मैं तो 25 बोल रहा था तो मेरे को बहुत हो गया था, अभी 23 दिया है तो पूछे भाई अपन। तो अगर आप सोच रहे हो गाड़ी लेना है ले लो, अभी अपना भाईचारा है गाड़ी, देखो ये कोई ऐसा क्या मैं क्या ये नहीं दे रहा है, क्या बोलते अपना वो बोलते ना पैसा वैसा नहीं दिया मेरे को रिक्शा वालों ने, मैं अपना खुद का रिव्यू दे रहा है, क्योंकि मैंने भी अभी तक एवरेज नहीं निकाला था। मैंने जितना भी अभी तक सिटी में चला मैं मोस्टली मुंबई में चलाता हूँ गाड़ी, लाइक वही सीन है कि लाइक मैं मोस्टली चला गाड़ी घाटकोपर साकिनगा, मोस्टली रश एरिया रहता है वहाँ पे, वाशी वाला एरिया जो है वो लाइक टोल पे वो सब सेकेंड थर्ड गियर पे चलती रहता है मोस्टली गाड़ी। तो वहाँ पे मेरे को 20 का एवरेज दिया सिटी में, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आके अगर मैं अच्छे से चलाऊँ तो 25-30 के बीच में देगा, बट 33 दिया है तो सही है। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको, अपने दोस्तों को जो चाह रहा है, जो कंफ्यूज है कि गाड़ी कौन सी लूँ, ले ले भाई ये गाड़ी मस्त है एकदम, डेल्टा वेरिएंट लेना। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि जेटा मत लो, जेटा में बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा आपका, डेल्टा ले लो, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, लाइक मेरे को लगता है सिर्फ जेटा में आपको अलॉय व्हीलर सब इनबिल्ट आता है, लाइक पहले से आता है, इसमें बस अपने को ये करना पड़ता है, लेना पड़ेगा एक्सेसरीज बाहर से, वो भी अगर आप अच्छे से बात करोगे नेक्सा से, हम लोग नेहरूल से हम लोग को डिस्काउंट मिला था 15-20%, तो वो सब सॉर्ट हो गया था। तो चलो फिर, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो, एवरेज शेयर करो, बहुत सही एवरेज आया, बाय।